तू साधुन के संग बिन हरिमुख लख्यो न जाए। किसी ने तो कह दिया कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। लेकिन वो गर्दन झुकाना किसे आता है? गर्दन झुकाना मैंने इट्स नॉट बोइंग डाउन योर नेक, गर्दन झुकाने का मतलब कुछ और है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मक्के गया गल मुकदी नाहीं, पावे सौ सौ जुम्मे पढ़ाइए, ते गंगा गया गल मुकदी नाहीं, पावे सौ सौ गोते खाइए, गया गया गल मुकदी नहीं, पावे सौ सौ पंड पढ़ाइए, बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी जदों मैनू दिलों मिटाइए। वो गर्दन झुकाना माने अपने सूक्ष्म अहम का विसर्जन कर देना, और सूक्ष्म अहम का विसर्जन करने जाओगे तब ना जब अपने सूक्ष्म अहम से कोई परिचय होगा। तो सब बातों की एक बात कि किसी प्रकार भगवत कृपा से जीवन में ये सत्संग के जो क्षण आपको उनकी कृपा से बार बार मिलते हैं, ये सत्संग के क्षण मिलते रहे, यहीं कहीं इन्हीं किन्हीं क्षणों में कि ऐसे ही किसी स्थान पर वो एक घटना घटेगी। मैंने पहले दिन कहा था यहां सब विचार आपके लिए नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई शब्द, कोई ना कोई भाव यहां नियत किया होगा, अन्यथा आपको यहां नहीं लाया जाता। क्यों आए हैं आप यहां? पहली बात तो आप नहीं आए, आपको लाया गया है। और क्यों लाया गया है? कोई ना कोई कारण होगा इसके पीछे, देयर मस्ट बी सम रीजन। यहां पर बिना कारण कुछ नहीं घटता। आपको यहां तक लाया गया है माने कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई शब्द, कोई कोई भाव भावना यहां पर आपके लिए प्रभु ने प्रसाद रूप में दी है, वो आपको प्राप्त होगी। हो सकता है उसका उसका तात्कालिक परिचय आपको ना मिले, हो सकता है उसी क्षण आप न जान पाए कि मेरे लिए क्या था। मैं तो ऐसा कहता हूं बहुत बार, मन में विचार होता है कि जो कहा जा रहा है वो सुना भी जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है ये सुने जाने के लिए कहा जा रहा है। तो कई बार विचार होता है मन में कि जो कहा जा रहा है वो सुना भी जा रहा है कि नहीं, ऐसे में कई बार सोचा करता था। फिर एक बार मुझे एक बड़ी सुंदर बात कहीं पढ़ने को मिली, एक संत ने कहा कि आज मैं जो कहता हूं, मेरे ये शब्द, मेरे ये भाव, मेरे ये विचार, मेरे मुख से निकले हुए ये वाक्य शाश्वत हैं, सनातन हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य की बात करते हैं। इन शब्दों में कहीं सत्य छिपा है, इसलिए कोई इन्हें मिटा नहीं पाएगा। मेरे ये वाक्य, ये विचार इस अस्तित्व में सदा रहेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप मुट्ठी भर लोगों के लिए ये सब कहा जा रहा है। ये समग्र अस्तित्व में विज्ञान दिया है हमारे संतों ने, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। जब आप किसी को गाली देते हैं, जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं, तब आप केवल उस व्यक्ति का अपराध नहीं करते, आप सारे अस्तित्व के अपराधी होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मुख से जो वो अपशब्द निकला है वो समग्र अस्तित्व की, वो समग्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को, वो समग्र ब्रह्मांड की उस चेतना को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। जब नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है, तो अपशब्द कहने से दसों दिशाओं में अमंगल भी होता है। इस बात को तो विज्ञान भी स्वीकार करता है। जब आप समुद्र में उस अथाह जल राशि में आप एक नन्हा सा कंकड़ फेंकते हैं, छोटा सा कंकड़, तो जहां वो कंकड़ गिरता है ना, वहां जल तरंगायित होता है, लहरें बनती हैं। लेकिन अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर उस एक कंकड़ से सारा का सारा समुद्र प्रभावित होता है। उस एक नन्हे से कंकड़ ने उस सारे समुद्र को प्रभावित किया है। कहीं किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र की सहायता से उस तरंग का अनुमान लगाते हैं वैज्ञानिक लोग कि एक कंकड़ के पड़ने से सारा समुद्र प्रभावित हुआ। ठीक ऐसे ही जब आप नाम जपते हैं तो दसों दिशाओं में मंगल होता है। जब आप अपशब्द कहते हैं किसी को, और मैं तो कहता हूं मत कहिए, भले आप न कहें, आपके मन में वो जो अहित परक भावनाएं उठती हैं ना, वो इस सारे ब्रह्मांड की उस पवित्रता को कहीं ना कहीं मैला करती हैं, कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती हैं। अभी मैं जब सत्य की बात कर रहा था, सत्य का विग्रह भगवान है, भगवान विग्रहवान सत्य हैं। जब आप असत्य बोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं भगवान के विग्रह को चोट पहुंचाते हैं, तब आप कहीं ना कहीं सत्य स्वरूप प्रभु को आहत करते हैं। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, भीतर उतरिए। अध्यात्म पढ़ाया नहीं जाता, ये पढ़ने और सीखने की विधा नहीं है। आप भीतर उतरिए,
सदगुरु यदि मिल गया है तो फिर हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। उसका वाक्य, उसका विचार, उसकी बातें, उसके शब्द, उसके भाव, कभी कभी उसकी डांट फटकार, कभी कभी गुरु की डांट और फटकार भी आगे का पथ प्रशस्त कर देती है, कभी कभी उसकी फटकार भी दीपक की भांति, एक ज्योति स्तंभ की भांति आपके आपकी मार्ग को प्रकाशित कर देती है, सुवासित कर देती है। तो उन संत ने कहा कि मेरे ये वाक्य, मेरे ये विचार इस अस्तित्व में रहेंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा जो योग्य होगा, जो पात्र होगा, जिसके पास ग्राहकता होगी इनकी, जिसके पास ग्राह्य क्षमता होगी इन विचारों की, वो इसे ग्रहण करेगा। मीरा तो गाकर चली गई, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया 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 हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया। काल व्याल सोबाची, लेकिन इन इन शब्दों की, इन इन शब्दों में कोई कोई ऐसा, इन शब्दों में कोई ऐसा भाव, इन शब्दों में कोई ऐसी शक्ति, इन शब्दों में भक्ति छिपी है, वो आज तक है। जो जो योग्य होता है, जो पात्र होता है, वो इन शब्दों का आश्रय लेकर, इन शब्दों को सीढ़ी बनाकर पहुंच जाता है वहां जहां कहीं मीरा गई है। ये शब्द क्या है? ये मीरा के पद चिन्ह ही तो है, मीरा ही तो है जिसने देखना सिखाया। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल, चंचल नैन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे बसो मुरे नैनन में नंदलाल, बसो मुरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मुरे नैनन में नंदलाल, बसो मुरे रसाल, किंकिनि सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल।
नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल मोरे नैनन में नंदलाल मोरे नैनन में नंदलाल नैनन में तो कहीं ना कहीं वो दर्शन की विधा, वो दर्शन की विधा मीरा इस प्रकार कहीं छिपा कर रख गई, कभी कोई आएगा, कोई योग्य, कोई पात्र, या फिर ऐसा कह लो कोई प्यासा आएगा, कोई पिपासु आएगा, कोई कोई पथ से भटका हुआ आएगा पथिक, जिसके लिए ये शब्द, जिसके लिए ये भाव पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। संत की वाणी क्या है? यदि आप संत की वाणी का आश्रय लेकर आगे बढ़ते हैं, संत की वाणी क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ माइलस्टोन। इट विल प्रोवाइड यू अ चेक दैट यू आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। वो आपको बताती रहेगी कि आप बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन भावों में, इन शब्दों में कहीं वो रस छिपा है। और मैं बांधता चलूं इन सूत्रों सिद्धांतों को विचार में कि जीवन में ये रस स्थिर हो जाए, उसके लिए आवश्यक है कि जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है कि आपका आत्मस्वरूप से परिचय हो, और आत्मस्वरूप से परिचय के लिए आवश्यक है कि जीवन में सतत सत्संग हो, जीवन में सतत साधु संग हो। केवल सत्संग नहीं, जैसे कल मैंने आपसे कहा था, केवल प्रेम नहीं, भगवत प्रेम। केवल प्रेम नहीं, केवल प्रेम तो आपके मेरे सबके पास में है, इट इज ऑलरेडी देयर। केवल प्रेम नहीं, रब्दा की पौना एथो पुटना ते एथे लाना। केवल प्रेम नहीं, भगवत प्रेम। केवल केवल नाम नहीं, संबंध युक्त स्मरण। जब भगवान से संबंध हो कोई, केवल नाम नहीं, संबंध युक्त स्मरण। केवल सत्संग नहीं, सतत सत्संग। आपके जीवन में सत्संग सतत हो, तैल धारावत। अच्छा, कल भी किसी का प्रश्न था, कल मैं उत्तर नहीं दे पाया था कि सत्संग सतत कैसे हो। आज जिस प्रकार की जीवन शैली है और जिस प्रकार से आज परिस्थितियां हैं, उस प्रकार से सत्संग नित्य सुलभ हो जाए, सबको सुलभ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो कभी आप सत्संग इस शब्द पर यदि आप विचार करें, सत्संग माने सत्य का संग। किसी भी विधा से जब आप सत्य के निकट हो, और इस भक्ति रस की हम बात कर रहे हैं, तो कभी नाम का संग, कभी कभी रूप का दर्शन, कभी लीला कथा का श्रवण, और कभी अवसर मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो भगवान के धाम में वास। अच्छा, धाम में वास माने धाम में रहना नहीं, कि आपने बढ़िया सा कमरा वहां पर लिया और आप वहां पर रह रहे हैं, आप वहां पर पड़े हैं, इसका नाम नहीं। धाम में वास माने कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। मैं एक बहुत बड़ा अभाव जीवन में देखता हूं कि आप और मैं करते सब कुछ हैं जीवन में दान भी है, धर्म भी है, सेवा भी है, तीर्थ भी है, व्रत भी है, उपवास भी है, योग यज्ञ सब कुछ थोड़ा 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 जीवन में है, लेकिन क्यों है ये नहीं पता। चले हैं वृंदावन की ओर, क्यों जा रहे हैं ये नहीं पता।
क्योंकि जो जो जिस कारण से आप जा रहे हैं दैट इज नॉट अ रीजनेबल एंड जस्टिफाइड रीजन कि चलो देखाएं, चलो घूमाएं, चलो चलो आज होते हैं वृंदावन, अब इसलिए जा रहे हैं। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले आप वृंदावन की जो बात बताते हैं वो तो वहां हमको दिखाई नहीं देती, वहां तो कुछ और ही दिखाई पड़ता है। तो मैंने कहा आप वृंदावन जाते ही वापस लौट आने के लिए? बोले कैसे? मैंने कहा जाने से पहले आपके रिटर्न का टिकट कंफर्म होता है कि नहीं? बोले हां होता है। तो जाने से पहले ही आपके मन में संसार में लौट आने की भावना है, तो वृंदावन क्यों कर अपनी उस निजी भाव संपत्ति का आपको दर्शन कराएं? क्यों वृंदावन की वो देव दुर्लभ संपत्ति आपकी आंखों के सामने आ जाए? कभी वृंदावन वृंदावन का होने के लिए जाइए। मैं वृंदावन में रहने की बात नहीं कर रहा शारीरिक रूप से। हम तो पहले दिन से गा रहे हैं, मन चल वृंदावन चल वे मना एथे ओ नजारा नहीं मिलना। पहले दिन से अपने अपने मन को सिखाया जा रहा है चलो मन वृंदावन की ओर। हमारे श्री महाप्रभु जी तो कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेत परमे पदेथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। कि मैं जहां रहूं जही जोनी जन्मों कर्म बस, मैं जहां रहूं स्मृति आपकी रहे, स्मरण आपका रहे, भाव आपका रहे। तो मन चल वृंदावन, तो जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं ये नहीं जानते, तो फिर कैसे वृंदावन की भाव का, कैसे वृंदावन की उस रस संपत्ति से आपका परिचय हो? कभी वृंदावन वृंदावन का होने के लिए जाइए। कभी वृंदावन में आप तो वृंदावन से लौट आने के लिए जा रहे हैं ना, कभी वृंदावन में मन लगाने के लिए जाइए। कभी जब आप घर से चलिए ना, तो जाने से पहले वृंदावन बिहारी से ये कह दीजिए कि इस बार कुछ और लेकर नहीं आ रहे, बस ये अपना मैला कुचैला मन ला रहे हैं, इसे अपना कर लेना। अपने मन में भाव भावना विशुद्ध लेकर जाइए कि प्रभु कुछ और नहीं ला रहे इस बार, ये अपना मैला कुचैला सब मन ला रहे हैं, इसे इसे इस मन को इसे स्वीकार कर लेना, यही निवेदन करने आ रहे हैं। और मन ये भाव समर्पण का भाव आते ही आपका मन क्या हो जाता है? जैसे ही आपके मन में समर्पण का भाव आता है, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके मन में ये विनम्रता आती है, जैसे ही आपके मन में ये सुमधुर भावना आती है ना समर्पण की, श्री चरणों में नत होने की, श्री चरणों में प्रणत होने की, उनके चरणों से लग जाने की, ये बड़ी सुंदर भावना है, इसी का नाम भक्ति है। ये जो मन की भाव भावना जो कब से देख रही है ऊंचे ऊंचे भवनों की ओर, गलत दिशा में देख रही है, ये कब से देख रही है ऊंचे ऊंचे भवनों की ओर, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, वो बड़े ऊंचे ऊंचे स्वप्न संजोए हैं जो आपने संसार की ओर ये देखते हैं, यही आ सकती है। और ये जब झुक जाती है, ये दृष्टि जब झुक जाती, मैं अभी कह रहा था ना कि बस जरा गर्दन झुकाई देख ली, वो गर्दन झुकाना क्या है, वो जब प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि जाती है, उनके चरणों में जाकर झुक जाती है, वो झुकी हुई दृष्टि, ये भाव भावना बड़ी सुंदर है। और जैसे ही ये भावना मन में आती है, आपका मन मन से सुमन हो जाता है, सुमन एक सुमन फूल होता है पुष्प, समर्पण के भाव से युक्त जो मन है वो भी सुमन है, वो भी प्रभु के चरणों में निवेदन करने योग्य है। और वो जो पुष्प आप किसी पौधे से तोड़कर लेकर गए हैं, वो तो पहले से उन्हीं का है, वो तो पहले से उन्हीं का है। सारे जगत को देने वाले मैं क्या तुझको भेंट चढ़ा, जिसके नाम से आए खुशबू मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। इस दुनिया की भीड़ भाड़ में तेरा ही आधा। फूल में सुवास पहले से उसी की है, तो उसे उसे उस सुमन से कहीं अधिक प्रिय आपका सुमन है।
वो जो आपके भीतर आपका मन है ना, उसे सुंदर कर लीजिए किसी भाव भावना से, वो सुमन चढ़ाइए प्रभु के चरणों में। देखिए देखिए वो स्वीकृति आपको उत्तर देती है कि नहीं, आपको प्रत्युत्तर मिलेगा। तो जीवन में सत्संग सतत हो, मैं कहीं से भी आरंभ कर लूं लेकिन लौट कर यही आना है, विश्राम यही है। तुलसीदास जी कह रहे पायो महाविश्राम, साधन को हरि भजन है के सत्संग सहाय, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक संग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और कबीर तो हद कर देते हैं कि राम बुलावा भेजया और दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। और कुछ ऐसी ही मिलती जुलती बात कभी गोपी ने कही थी, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापनम। तो विगत दो दिनों में हमने चर्चा की कि ये भक्ति का रस कहां ठहरा है, सबसे पहले नाम में, फिर रूप में, उसके दर्शन में रस है, देखने में रस नहीं है, दर्शन में रस है। और आप जानते हैं देखने में और दर्शन में क्या भेद है, देखना केवल आंख से देखना, और देखने में जब मन मिल जाए, दृष्टि और मन दर्शन, देखने में जब मन भी मिल जाए। एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है रामचरितमानस में कि जब जानकी जी ने पहली बार रघुनाथ जी को देखा, वाटिका में, जनकपुर की वाटिका में जब पहली बार श्री जानकी जी ने रघुनाथ जी को देखा, तो तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते, निरख राम लोचन लल चाने, कि जैसे ही श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, वो रूप देखकर नैन ललचा गए और ललचा गए कि ये रूप रस पान करके तृप्ति नहीं हुई, इसे और प्रिय, और हर्षित मन निज निधि पहचाने। जब जगदम्बा देखती हैं, जब श्री जानकी जी ने देखा, श्री किशोरी जी ने देखा प्रभु की ओर, तो ऐसे देखती हैं जैसे कि मेरी संपत्ति है, निज निधि। तो आप भगवान के सामने गए, आपने जाकर सन्मुख होकर दर्शन किया, अगर आपकी दृष्टि ललचाई नहीं तो आप देख रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा है, आप केवल देख रहे हैं, केवल आंख देख रही है, मन कहीं और है, अभी आप प्रभु के सन्मुख हुए नहीं। क्योंकि जब आप सन्मुख होंगे तो क्या है कि ज्यो ज्यो आप देखें त्यों त्यों दर्शन का लोभ बढ़े, दर्शन करते करते वो मन की तृषा बुझे नहीं। हमारे बड़े बाबा जब दर्शन करते थे राधा वल्लभ लाल का, तो जब अभी दर्शन नहीं खुलता था तो कहते थे तेरा पर्दा हिलता है और मेरा दिल धड़कता है, तेरा पर्दा हिलता है और मेरा दिल धड़कता है, बड़ी बड़ी तृषा, बड़ी त्वरा, बड़ी उत्कंठा से खड़े हैं राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के सन्मुख कि कब पर्दा हटेगा और ये नैन उस रूप रस का पान करेंगे। इसे दर्शन कहते हैं, ये दर्शन की विधा है। और फिर मीरा सिखाती है, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, गौर बरन वृषभानु नंदिनी श्याम बरन नंद नंद बसो, मेरे नैनन में दूचन। आप या इन नैनन में पलक ढांप तोहे लूं, और फिर ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखने दूं। जब जब आपके देखने में मन भी मिल जाए, निरख राम लोचन ललचाने, जैसे प्रभु को देखा दृष्टि ललचा गई, उस रूप को फिर देखने की अभिलाषा हुई। अभी तो ठाकुर जी के सामने बैठकर दर्शन करते हैं, कितना भाग्य जगता है जीव वृंदावन पहुंचता है, सौभाग्य जगता है जब जीव वृंदावन पहुंचता है। दुनिया भर में घूमता हूं और हजारों लोग मिले
जो अपने अपने पुण्य से, अपने प्रभाव से, अपने प्रताप से, आप अपने पुण्य प्रभाव और प्रताप से चांद की यात्रा करके आ सकते हैं। आजकल जैसे वैज्ञानिक लोग मंगल खोजने में लगे हैं, ऐसा हो रहा है, पर मैं तो कहता हूं मंगल मिले ना मिले, अपने जीवन में मंगल खोजिए, अपने जीवन का मंगल खोजिए। जीवन का मंगल कहां है, जीवन में मंगल कहां है? वो मंगल नहीं भी पता चले तो चलेगा, तो चांद तक होकर आप आ जाओगे, लेकिन आप वृंदावन नहीं जा पाओगे, आप अपने प्रयास से वहां नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वहां कोई ले जाने के लिए। इसीलिए इसीलिए साथ ही साथ किसी ने यह भी कहा, उन गुरु चरना विच लगवे मना, बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। ओ हुन गुरु चरना विच लगवे मना, हो बिना सतगुरु प्यारा नहीं मिलना। उसके लिए तो चाहिए रसिकों की कृपा, एक किशोरी कृपा से जो कछु होए सो होए। तो वहां आप अपने पुण्य से नहीं जा पाओगे, वहां आप अपने प्रयास से नहीं जा पाओगे। इसीलिए हमारे यहां के रसिकों ने विधि बताई है, वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी, वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी, छाड़ जगत की बाधा अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। श्री स्वामी वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी, वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी, वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी, छाड़ जगत की बाधा अब तो कृपा करो। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि प्रत्येक शब्द में कुछ छिपा है, ऐसे इस नाम में महाप्रभु तो कहते हैं साराधेति सदा हृदय स्फुरतु, इस नाम में प्रेम का अमृत छिपा है। जैसे बीज में फल, एक नन्हे से बीज में आप कल्पना नहीं कर सकते, कभी आपने वट वृक्ष का बीज देखा हो, वट वृक्ष का बीज बहुत नन्ना सा एक दाना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे इसमें वो विशाल अक्षय वट छिपा है। ऐसे ये दो अक्षर का ये नाम, द्वयक्षरा, जैसे महाप्रभु कहते राधेति मे जीवनम, ये दो अक्षर का नाम, इसमें प्रेम का अमृत छिपा है, प्रेम का अमृत। जैसे भागवत की पोथी में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और माधुर्य छिपा है, ऐसे इस नाम में वो पूर्ण प्रेमामृत सार छिपा है। मैं आपको दो दिन से बराबर बता रहा हूं कि जब जब कीर्तन हो, सब ओर से मन चित्त समेट कर उस भाव से तद्वत होने का प्रयास करिए। श्री राधा 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 राधा।
राधा राधा।